अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी क्रीम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यानी कि अक्सर मुझसे पूछते हैं कि पिंक ज़्यादा बेस्ट है, फेयर एंड पिंक या फिर मैक्स डिफ। तो मैं आपको इनके दोनों के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फैसला आपने खुद करना है कि फिर आप इनमें से कौन सी चूज़ करेंगे, मैक्स डिफ या फेयर एंड पिंक। मैक्स डिफ जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले इसका रिव्यू दे चुकी हूँ, जैसे कि आप इसका क्लोज लुक देख सकते हैं कि मैक्स डिफ रीजेनरेट करती है स्किन को, ब्राइटनेस करती है और मॉइस्चराइज भी करती है। यानी कि इसमें लिटिल बिट मॉइस्चराइजर भी है। नॉन ग्रीसी तो लिखा हुआ है, लेकिन ये किसके लिए है, ये 30 ग्राम जो आपको है ₹850 की आपको मिलेगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये लेबल लिखा हुआ है 850। जेन फार्म लाइफ साइंस वालों की है ये। और इसमें जो ज़्यादा चीज़ जो बेस्ट है इसमें है, अगर आप इसका क्लोज रिव्यू देख सको, ये है विटामिन सी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा कोजिक एसिड डिप्लोमेट है, यानी कि कोजिक एसिड नहीं है, ये कोजिक एसिड डिप्लोमेट है। ठीक है, डिप्लोमेट है, तो है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है वाइटनिंग्स के लिए, उसके लिए उसका असर जल्दी ख़त्म हो जाता है कोजिक एसिड। आपको वो क्रीम लेनी चाहिए जिसमें कोजिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये भी तो बेस्ट है फ्रैकल्स के लिए, लेकिन अगर आप इन दोनों को, जैसे मैंने आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जो उसको तरीका इस्तेमाल करने का बताया, अगर उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ठीक है, अब ये जो है ब्राइटनिंग्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए एंड डिसकलरेशन के लिए होता है। ठीक है, डार्क स्पॉट्स को, फ्रैकल्स को ये रिमूव करती है। जो ये है फेयर एंड पिंक, इसमें कोजिक एसिड है और फेयर एंड पिंक में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपको 440 की मिलेगी। ये आप इसके प्राइस देख सकते हैं। और ये अगर आप इसका क्लोज आप अगर देख सको, ये है वाइटनिंग एंड ग्लोइंग स्किन के लिए है, इम्प्रूव ग्लो मॉइस्चराइजर है, इम्प्रूव कम्प्लेक्शन एंड नोरिशिंग के लिए। इसमें लिकोराइक एक्सट्रैक्ट है और आर्ब्यूटन्स है, ये ज़्यादा बेस्ट है। इसमें लिकोराइस होता है जो पिगमेंटेशंस को रिमूव करती है, यानी कि मुलैठी का एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल किया गया है। एडिशनल इसमें यह है कि SPF 20 इसमें है एडिड, और उसमें नहीं है मैक्स डिफ में। जैसे आप देख सकते हैं, इसका मल्टी वाइटमिन्स इसमें ऐड किए गए हैं और मरकरी इसमें नहीं है। जिस क्रीमों में मरकरी होता है वो जल्दी एक्ट करती हैं। ओवर एंड ऑल कहने का मतलब ये है कि ये प्राइस में सस्ती है, 440 की है और ये 850 की है। मेडिकेटेड तो दोनों ही हैं, ये भी मेडिकेटेड है और वो भी मेडिकेटेड है। असर इसको इस्तेमाल करने से नुकसान कोई भी नहीं होता है। हाँ, इसका यह है कि आपको इसके साथ अगर आपने यूज़ करना है तो आपको, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज़ करना है, लेकिन अभी विंटर का सीज़न है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पिंपल्स की शिकायत होती है इन दोनों क्रीमों में से किसी एक क्रीम को यूज़ करने से, तो आप ऑयल फ्री कंट्रोल जो होता है, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज़ कीजिए इसके साथ। अगर वो नहीं तो आप बेसन के साथ मुंह धो सकती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि क्योंकि विंटर है तो ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा। अपनी जगह पे दोनों क्रीमें सही हैं, बेस्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आप अगर कोई मार्केट की कोई लोकल क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। जैसे आपने आम नोट किया होगा, कोई सी भी क्रीम आप मार्केट की उठा लें, उसको रेगुलर आप यूज़ करते रहें, बाहर जाएंगे तो स्किन जो होती है रेडनेस होती है, इची होती है, जलन होती है बहुत ज़्यादा। आपका स्किन वाइट तो होती है लेकिन रेडनेस आ जाती है कुछ अर्से के बाद, अगर आप उसे यूज़ कर छोड़ देंगे तो ये नुकसान देती है। लेकिन ये मैं क्रीमें 2-3 माह से यूज़ कर रही हूँ तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
मतलब मैं पहले कोई क्रीम यूज़ करती थी, मैं बाहर जाया करती थी तो वो रेडनेस होती थी, लेकिन इनसे ये इशू नहीं है मुझे। तो ये मेरा फेयर रिव्यू इन दोनों के मुतालिक था, यानी कि आप फेयर एंड पिंक यूज़ करना चाहते हैं मैक्स डिफ। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इसमें से कौन सी अच्छी है, हम फेयर एंड पिंक यूज़ करें या मैक्स डिफ। तो आप अपनी बजट के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकती हैं, नतज दोनों के एक जैसे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेडिकेटेड क्रीम है, इसका रिज़ल्ट आपको तकरीबन 1 to 2 month लगेंगे उसको आपको रिजल्ट देने में। हर एक की स्किन मुख्तलिफ होती है। किसी ने मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में कहा है जी हमारी स्किन का सत्यानाश हो गया, वही फिर मैं कहूँगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा ध्यान के साथ, और साथ आपने इस्तेमाल करना है, साथ आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये नहीं कि सन ब्लॉक आपने ये इस्तेमाल करना है या सनस्क्रीन का। मैं सनस्क्रीन से ज़्यादातर लोगों को यू वेल रिकमेंड करती हूँ, जो मेरी आपकी मेरी आप चैनल पे आप देख भी सकते हैं, मेरे चैनल पे उसका रिव्यू है। यू वेल फोर्ट क्रीम SPF 60 है, उसका आप इस्तेमाल याद साथ रखें, ऑयल कंट्रोल करें तो ये क्रीमें आपको बजाय बेस्ट रिजल्ट देंगी। नेक्स्ट तक वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मेरा एक फेयर रिव्यू था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड व्यू माई अदर वीडियोज़। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट तक वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।